यूक्रेन की सुंदरी भी अब रूस के खिलाफ युद्ध में जंग करने के लिए उतर चुकी है। रूस में यूक्रेन की सुंदरी को चाहने वालों ने विरोध शुरू कर दिया है। यूक्रेन से युद्ध करने वाले रूस को इस ब्यूटी क्वीन ने सिखा दिया सबक। पुतिन को पछतावा हो रहा है कि यूक्रेन से लड़कर गलती कर दी और ये गलती रूस को बहुत भारी पड़ने वाली है। यूक्रेन ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, नहीं मिली। यूक्रेन रोता रहा और पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। इसीलिए कहते हैं बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। पड़ोसी देश सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जैसे आज अमेरिका कायरता के घूंट पी पी कर देख रहा है। और ऐसे लोगों को यूक्रेन की सुंदरी ने जवाब दे दिया है। 24 साल की उम्र में सबसे पहले इसने अपनी सुंदरता से यूक्रेन का दिल जीत लिया था। इस बार ये घातक हथियार उठाकर रूस और नाटो को जवाब दिया है। इस लड़की का नाम है अनस्तासिया लेना, जो यूक्रेन की सुंदरी है। अनस्तासिया लेना यूक्रेन की रहने वाली है, लेकिन रूस में इनके हजारों चाहने वाले हैं और साल 2015 में मिस यूक्रेन का खिताब भी जीत चुकी हैं। लेकिन अब पुतिन और रूस के लोग अनस्तासिया की बंदूक थामे इन तस्वीरों को देखकर हैरान हैं। कहा जा रहा है कि जो अभी तक अमेरिका नहीं कर सका, वो यूक्रेन की ये सुंदरी करने वाली है। 2015 में जब ये 24 साल की थी, तब इसने मिस यूक्रेन का खिताब जीता था। शोहरत बढ़ने के साथ इनके चाहने वाले भी बढ़े और आज रूस में भी इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। युद्ध में लड़ रहे सैनिक भी कहा जा रहा है कि सुंदरी के दीवाने हैं और इनकी अदाओं पर मरते हैं, इसीलिए रूस की सेना में विद्रोह होने का भी डर है। अनस्तासिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब वो हथियार उठा चुकी हैं और रूस को जवाब देंगी। ऐसा पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इनकी तस्वीरें हथियारों के साथ सामने आती रही हैं। लेकिन अब देश के आत्मसम्मान के खातिर सर पर कफन बांधकर उतर चुकी हैं जंग के मैदान पर। अनस्तासिया ने इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों को इस बात की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही रूस, नाटो और अमेरिका को भी संदेश दे दिया है, यूक्रेन अपने सम्मान के सामने झुकेगा नहीं। जो लोग कह रहे थे रूस की सेना के सामने यूक्रेन 12 घंटे भी नहीं रुक पाएगा, 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन यूक्रेन अभी तक लड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब पुतिन यूक्रेन को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि सुंदरी की वजह से यूक्रेन के और आम लोग रूस से टकराने के लिए हथियार उठा चुके हैं। जो भी हथियार चला सकता है यूक्रेन में, वो लड़ने के लिए तैयार है। नाटो का यूक्रेन ने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। रूस की इस खूबसूरत जाबाज मॉडल ने कहा है कि अब नाटो को भी यूक्रेन में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन को लग रहा था कि यूक्रेन में हमला करके कुछ घंटे में ही कब्जा कर लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब यूक्रेन के आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। पूरी दुनिया आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही रूसी सेना के जवान भी इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद रूस की जनता इसका हिसाब पुतिन से मांगेगी। पुतिन को शायद ये समझ आने लगा है, लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।